तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चूँकि इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स से मिलकर बना हुआ होता है, तो जो इमेजिनरी नंबर का जो फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। लेट्स से कि आई इमेजिनरी नंबर है, आई विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन। मतलब आई एक ऐसा नंबर है जिसे स्क्वायर करने से हमें नेगेटिव वन मिलता है। तो इसी का मतलब ये होगा कि आई को आई के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा नेगेटिव वन। अब इस आई को यहाँ पर रियल नंबर लाइन में प्लॉट करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ये रियल नंबर लाइन है और उसी आई को प्लॉट करने के लिए इस नंबर लाइन को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर लाइन। सबसे पहले इस रियल नंबर लाइन में देखिए, ये ज़ीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइड है, तो ये नेगेटिव 6 हो गया। और ये जो है ये इमेजिनरी नंबर लाइन है, यहाँ पर ये आई है, 2i, 3i, 4i एंड यहाँ पर ये 5i है। सिमिलरली ये उसका नेगेटिव साइड है, नेगेटिव आई, नेगेटिव 2i, नेगेटिव 3i, नेगेटिव 4i एंड दिस इज नेगेटिव 5i, नेगेटिव 5i। तो अगर i को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो i को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। उसे एरो से भी प्लॉट किया जाता है, एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसे इस तरह के एरो से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर इस पॉइंट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। अब यहाँ पर देखिए, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई करने से तो नेगेटिव वन होता है। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी भी नंबर को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें होता है 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कहने का मतलब ये है कि आप अगर वन को देखें, चलिए वन को अगर देखते हैं, चलिए वन नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, प्लॉट जब करेंगे तो बेहतर दिखेगा, क्लियर दिखेगा। लेट्स से एक नंबर है 4, सो 1, 2, 3, 4, सो यहाँ पर वो नंबर है। अगर मैं इसे एरो से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये 4 हुआ, ये पॉइंट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसे जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4i हो जाएगा। तो 4i को अगर हम प्लॉट करेंगे तो आप देखिए वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये 1i, 2i, 3i एंड यहाँ पर ये 4i। एरो से रिप्रेजेंट अगर करें तो फिर यहाँ ये एरो ऐसा बनेगा। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। 4 को जब i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4i बन रहा है, जिसके कारण इस एरो में 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस 4i को अगर हम i से मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए 4i, इसे जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × i है, सो 4 × i × i, सो 4 × i × i हो जाएगा नेगेटिव 1। यहाँ पर देखिए i × i इज नेगेटिव 1, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 4। सो इसी 4i को जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव नेगेटिव 4। वो नेगेटिव 4 यहाँ पर होगा और उसे आप देखिए इस तरह से एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 4i को i से मल्टीप्लाई किया, वैसे ये फिर से एरो जो है इसमें 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ। यही लॉजिक एप्लीकेबल होगा, सेम चीज़ ग्राफिकली यही चीज़ एप्लीकेबल होगा अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी i से मल्टीप्लाई करें तो। तो देखिए, जैसे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल के बनता है, दोनों का समेशन होता है। ये कुछ इस फॉर्मेट में होता है, a प्लस आई बी, इसे बी आई भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर a और b जो है ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ पर i जो है ऑब्वियसली दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। तो फिर अगर एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट किया जाता है, कभी कभी सबस्क्रिप्ट भी लगाते हैं हम ज़रूरत के हिसाब से, Z1, Z2, Z3 etc. तो एक यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया, लेट्स से दैट इज़ 2 प्लस i3। सो इसे अगर हम प्लॉट करते हैं 2 प्लस i3 को, तो इसे कुछ ऐसे प्लॉट किया जाता है। तो इसका रियल पार्ट देखिए 2 है, 2 को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट से 2 रिप्रेजेंटेड होगा और i3 जो है इस पॉइंट से रिप्रेजेंटेड होगा। तो दोनों को
दोनों को जो इंडिकेट करेगा जो पॉइंट इस पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, इस प्लेन में जो पॉइंट इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट यहाँ पर होगा। और अगर हम इसे एरो से डिनोट करें तो ये जो नंबर होगा दैट नंबर 2+i3 वो नंबर यहाँ पर होगा। अब हम क्या करते हैं, इस z को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो z को जब हम i से मल्टीप्लाई करेंगे, i इंटू जेड इज इक्वल टू i इंटू जेड का वैल्यू है 2+i3, सो 2+i3। अब देखिए यहाँ पर i को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जैसे नॉर्मली हम रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। पहले i को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर i को i3 से मल्टीप्लाई करना। सो 2 और i को मल्टीप्लाई करने से 2i हो गया। आप इसे i2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे पीछे दो अगर नंबर्स हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा, तो पहले लिखे बाद में लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से हम ये कहेंगे कि ये हो गया 2i+i(i3), सो i(i) हो गया -1, सो i(i) इज -1 और ये 3, सो दैट इज़ इक्वल टू -3+i2। ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। सो -3+i2 इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो -3 इज हियर यहाँ पर और 2i यहाँ पर है, सो वो पॉइंट रिप्रेजेंटेड होगा यहाँ पर। और एरो से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे ये नंबर जो है रिप्रेजेंटेड होगा। आप यहाँ पर भी गौर करें कि यहाँ i से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 90 डिग्री का काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। सो किसी भी तरह के नंबर को, चाहे वो रियल नंबर हो या फिर इमेजिनरी नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसे जब i से मल्टीप्लाई किया जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसका 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। तो ये तो हमने अभी i से मल्टीप्लाई किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखना है कि क्या सिचुएशन अराइज होगा। हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से कि पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैट Z1, फॉर एग्जांपल इसी नंबर को रख लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 2+i3 एंड Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 इज इक्वल टू 1+i2 ले लेते हैं, 1+i2। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, सो Z1 और Z2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। रियल नंबर के केसेस में हमें पता होता है कि दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल A और B को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब होता है B(a)। वही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, अगर हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या फिर Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है, दिस वन इज़ कम्यूटेटिव लॉ। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल होता है। बेसिकली ये जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एप्लीकेबल होता है, और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सेट होता है, सबसेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है, इसीलिए वो रियल नंबर पे भी लागू हो जाता है। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। सो जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z1 और Z2, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसे हम पहले रख रहे हैं किसे बाद में रख रहे हैं। वेल, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा, पहले तो इसे लिख लेता हूँ, 2+i3 एंड उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1+i2। तो अगर मान लें रियल नंबर्स इस तरह के फॉर्मेट में होता और हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल कि a+b, दो रियल नंबर्स, और दो रियल नंबर्स है c+d। आपको पता है इसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले a+b को c से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर a को c+d से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी आप पहले रखें किसी को भी बाद में रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल, a+b इंटू c प्लस a+b इंटू d, पहले तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर c को a के साथ, फिर c को b के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ac+bc+ad+
बी डी, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे और इसे, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। ये दोनों जो है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। सो इसकी तो ज़रूरत अभी है नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लागू होता है। बेसिकली ये जो लॉज है सारे, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, आगे चल के एसोसिएटिव लॉ भी हम देखेंगे, ये सारे लॉज जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लागू होता है। दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे लागू होता है, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब सारे रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है, या फिर कहें सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चूंकि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे एप्लीकेबल होता है वो रियल नंबर पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अब तक हमने रियल नंबर के साथ डील किया था, स्टैंडर्ड 10th तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स के साथ ही डील किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील नहीं किया था। तो हमें लगता है मानो ये जो लॉज है ये सिर्फ रियल नंबर पे एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लॉ है और इसे हम रियल नंबर पे एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर उसी का पार्ट है। उसी लॉजिक से अगर देखें, इसी तरह के मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखें, तो सबसे पहले हम अगर एक्सटेंड करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, वैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन को इसके साथ, फिर वन को इसके साथ, फिर आई टू को टू के साथ, फिर आई टू को आई थ्री के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर उससे भी शॉर्टकट तरीका हम अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे उसे। सो टू प्लस आई थ्री, इसे सबसे पहले तो वन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ प्लस साइन है देखें, तो यहाँ पर टू प्लस आई थ्री, और इसे फिर आई टू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बिकम टू प्लस आई थ्री प्लस, यहाँ पर आई टू और टू को मल्टीप्लाई करने से आई फोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आई थ्री और आई टू को मल्टीप्लाई करने से थ्री और टू में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे सिक्स बनेगा, और आई और आई में मल्टीप्लिकेशन में वो बन जाएगा नेगेटिव वन। सो आई और आई के मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव वन, और टू और थ्री के मल्टीप्लिकेशन में सिक्स। सो ये बन जाएगा टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स इज नेगेटिव फोर, और थ्री आई और फोर आई सम करने से, जोड़ने से ये बन जाएगा सेवन आई, या फिर आई सेवन। तो ये बन गया उसका प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में जैसे कि जिस प्रोसेस से हमने इसे पता किया है, उस प्रोसेस के हिसाब से आप गौर से देखें, ये जो नेगेटिव फोर आया, ये नेगेटिव फोर किस तरह से आया, यहाँ इन नंबर्स को अगर आप देखें, टू थ्री, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, दैट मीन टू थ्री और वन टू, इनको अगर देखें तो आप गौर से देखें ये नेगेटिव फोर आया कैसे है, टू टू इंटू वन, सो टू इंटू वन माइनस यहाँ पर थ्री इंटू टू, ये माइनस अपीयर कर रहा है क्योंकि आई और आई मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव वन बन जाता है, वही नेगेटिव वन के लिए यहाँ पर माइनस अपीयर कर रहा है। और आप अगर इस सेक्शन को सेवन को देखें, तो ये सेवन आया कहाँ से, इस सेवन के लिए आप देखें ये टू इंटू टू इज़ फोर, दिस टू एंड दिस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब इसके साथ इसका और थ्री के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन अब की बार। सो टू इंटू टू प्लस प्लस थ्री इंटू वन, ओके, प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, थ्री इंटू वन। सो यहाँ से ये सेवन अपीयर कर रहा है। तो आप देखें इसे आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट तरीके के लिए, कि जब हम लोग जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जब हम रियल पार्ट पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, दोनों के रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना माइनस दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना। कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब ये थ्री होता है, आई थ्री नहीं होता है। जब स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट कहा जाता है तो इस नंबर को कॉम्प्लेक्स पार्ट कहा जाता है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग कह देते हैं आई थ्री को भी इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कह देते हैं, पर टेक्निकली कहा जाए तो इस थ्री को इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कहा जाता है। इस जेड वन का कॉम्प्लेक्स पार्ट इस थ्री, जेड टू का कॉम्प्लेक्स पार्ट टू, तो दोनों का कॉम्प्लेक्स पार्ट को मल्टीप्लाई करना और यहाँ पर माइनस लगाना, और ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, दोनों का रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट माइनस दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट का प्रोडक्ट, इससे हमें रियल पार्ट मिलेगा प्रोडक्ट का।
और जो इमेजिनरी पार्ट है प्रोडक्ट का विच इज 7, वो कैसे मिलता है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जोड़ना होता है। हाँ, ये साइन भी आप ध्यान रखें, ऑब्वियसली साइन ध्यान रखें, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसे भी ध्यान रखना होता है। वेल, अब देखे यहाँ पर आप देखे, ये जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और हमें रिजल्ट के तौर पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। सो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाइड विथ कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस लॉ इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। हाँ, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है, इन सर्टन केसेस दो नंबर को अगर हम ऐसा चूज़ करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कि ये जो टर्म है ये अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर तो वो रियल नंबर बन जाएगा। एक बार देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। बाय द वे, एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो अगर ये रियल नंबर में भी कन्वर्ट हो जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो भी ये वैलिड हो गया, तो भी ये क्लोजर लॉ ही फॉलो कर रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल, जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ये पार्ट जो है ये पार्ट ज़ीरो हो जाए तो फिर ये रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है एंड दैट नंबर इज इक्वल टू 2+i4। अब एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसा चूज़ कर लेते हैं, कैसा चूज़ करते हैं कि इसे कर लेते हैं 2-i4। तो आप देखें, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो उस समय ये वाला टर्म जो है ये ज़ीरो बन जाएगा। 2 × -4 + 2 × +4, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय हमें मिलेगा 2 × 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, फिर 2 × -4, 2 × -4 इज -i है, सो -i8, फिर इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया +i8, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 × 4 = 16, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके -16, लेकिन i और i का प्रोडक्ट -1 बन जाता है, तो दैट इज़ वाई ये +16। तो आप यहाँ से देखें, ये जो है ये कैंसिल हो रहा है, ये जो सेक्शन है, ये जो इमेजिनरी नंबर्स जो है यहाँ के, वो कैंसिल हो जा रहा है और कैंसिल होके हमें मिल रहा है 20। यहाँ पर देखे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये रियल नंबर, प्योर एक रियल नंबर हमें मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे, लेकिन एक रियल नंबर भी, ये रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है, ये रियल नंबर है साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बिकॉज़ इसी 20 को हम 20+i0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i × 0 = 0, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है उसे फुलफिल कर रहा है। दिस 20 एंड दिस 0, ये दोनों रियल नंबर्स है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है वो होता है a+ib, यहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पर भी फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे सिनारियों में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2+i4, उसके लिए हमने ये जो नंबर चुना है इसे उसका कॉन्जुगेट कहा जाता है, कॉन्जुगेट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहा जाता है, और इसे z बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे z के ऊपर स्टार लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज जेड बार एंड दिस इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसके बारे में हमें और भी बात करना है आगे चल के, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इसे अभी हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं।
अब देखें, जैसे जैसे कि हमें पता है ये अगर रियल नंबर होगा, ये एक रियल नंबर अगर है, तो फिर हम एक रियल नंबर को ऐसे भी तो चूज़ कर सकते हैं, हम एक रियल नंबर को ऐसे चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से पहले इस रियल नंबर को ले लेते हैं z, जो कि 2 प्लस i 4 था। हम एक रियल नंबर ऐसा चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से उसका रियल पार्ट है 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा चूज़ कर लेते हैं, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ कर लेते हैं। ऑब्वियसली दैट इज़ इक्वल टू वन। सो अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे एक नाम दे देते हैं जेड प्राइम, इस तरह से। सो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पार्ट तो ज़ीरो है, तो ये वन के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करने से हमें रिज़ल्ट के तौर पे हमें यही वाला नंबर मिलेगा, z ही मिलेगा। सो z इंटू जेड डैश, हमने इसे z डैश नाम दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऑब्वियसली विच इज़ इक्वल टू वन, हमने उसे z डैश नाम दिया है। सो z इंटू जेड डैश इज़ इक्वल टू z, ये z के ही बराबर है। यहाँ पर ये जो स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियसली हमने वन को ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दिस थिंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लाई करने से उसका आइडेंटिटी बरकरार रहता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी बरकरार रहता है। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी बरकरार रहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू वन। इसी तरह से हमें एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिलता है, लेकिन वो इस वीडियो में फ़िलहाल फिट नहीं बैठेगा, उसके बारे में हम लोग जब डिवीजन सीखेंगे उस समय हम लोग बात करेंगे, तो बेहतर आपको समझ में आएगा। हम वहाँ पर पहले इन्वर्स क्रिएट करेंगे, तब जाके देखेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्यों है। सो अब जैसे कि हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है विच सेज कि z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू z2 इंटू z1, ये कौन सा लॉ है? ये कम्यूटेटिव लॉ है, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। तो अगर ये वैलिड होता है, तो फिर अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर मान ले कि हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z1, z2 और उसके साथ z3, तो फिर चाहे हमारा ऑर्डर कुछ भी रहे, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ उस प्रोडक्ट के साथ z3 को मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद उस प्रोडक्ट को z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो फ़र्क तो कुछ बनने वाला है नहीं। मतलब अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर हम z1 को z2 और z3 के साथ जो प्रोडक्ट बना मल्टीप्लाई करने से, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखेगा, एंड दिस इज एसोसिएटिव लॉ चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैलिड होता है, इसीलिए ये रियल नंबर पे भी वैलिड होता है। हमें पता है कि 3, 4 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो चाहे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 को 4 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 2 इज़ 8, तो बात बराबर है। चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये वैलिड होता है एसोसिएटिव लॉ, इसीलिए वही रियल नंबर्स पे भी एक्सटेंड कर जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन देखा, कि ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड लॉज देखा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया जाता है, मतलब डिवीजन कैसे होता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, और ये जो पूरा चैप्टर है,
बेहतर होगा आप पूरा प्लेलिस्ट खोले चैप्टर का, फिर अलग अलग टॉपिक्स को देखें। तो उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।